तो भाइयों आज मैं बताऊंगा एलईडी बल्ब प्रिपेयर कैसे करें। ठीक है, अपने पुराने जो एलईडी बल्ब को फेंके नहीं, दोबारा से रीयूज करें। आप जो है इसे ठीक कर सकते हैं, पर एक बल्ब से काम नहीं चलेगा, कम से कम दो तीन बल्ब होने चाहिए हमारे पास, तो जाके हम रीयूज कर पाएंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा। देखो, एक पार्ट मैंने बना रखा है कि अगर बल्ब जैसे कि ये ख़राब हो गया तो हम इसे चेंज कैसे करेंगे। चाहो तो आप जम्पर भी कर सकते हो जैसे भी, ठीक है, आप यहाँ से यहाँ जम्पर भी कर सकते हो, तारों को जोड़ सकते हो। आयरन की तो ज़रूरत पड़ेगी इसमें, ठीक है, पर इसकी टेस्टिंग वगैरह मैं आपको बताता हूँ कैसे करनी है। अब देखो, मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़। ये एलईडी बल्ब है, ये देखिए, इसका ये बल्ब ख़राब है। तो हम इन दोनों को शॉर्ट करेंगे तो पता चल जाएगा ये बल्ब के कारण जो ये ख़राब है या ठीक है। मैं आपको ये सारी चीज़ें अभी दिखाऊंगा। और अब जैसे इसकी कंडीशन एकदम ठीक है, ठीक है, तो इसमें इसमें जो है किस कारण जो है, पहली बात तो मशीन के बहुत कम चांस होते हैं जो अंदर की होती है कि ये ख़राब हो। हमारी सी प्लेट में फॉल्ट आ जाता है, इसी प्लेट में या तो एक बल्ब ख़राब हो गया, या दो बल्ब ख़राब हो गए होंगे, या तीन बल्ब ख़राब हो गए होंगे। तो हम ज़्यादा बल्ब अगर ख़राब होंगे तो हमें दिक्कत होगी टेस्टिंग करने में, एक आध बल्ब होगा तो फिर हम कर सकते हैं इसे ठीक। और सारे बल्ब एलईडी बल्ब ठीक नहीं होते, और इतना करके फ़ायदा भी नहीं है कुछ, लाइफ इनकी थोड़ी कम होती है रिपेयर होने के बाद भी। फिर भी किसी के कुछ ना कुछ काम आ जाए, कब तक चल जाए कुछ नहीं भरोसा, तो मैं आपको बताऊंगा। तो मैं पहले आपको बताऊंगा ये वाला बल्ब है, अभी तक मैंने ये निकाला भी नहीं है, कुछ भी नहीं करा है, ठीक है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है मैं आपको दिखाता हूँ। तो मुझे इसे होल्डर में लगाना पड़ेगा पहले, ठीक है, ये देखिए, ये रहा मेरा होल्डर। ये देख रहे हो आप, ये देखो, ठीक है, इसमें ये दिक्कत आ रही है। हम करेंगे क्या, एक वायर देखिए, ये मेरे पास वायर है, इसकी मदद से सारे बल्ब शॉर्ट करके देखूंगा कौन से बल्ब शॉर्टिंग होने की वजह से, बल्ब को ख़राब होने की वजह से, एलईडी जो बल्ब है ख़राब होने की वजह से जो ये प्रॉब्लम आ रही है। देखो, ये थोड़ा सा रिस्की मामला है, तो वायर ठीक ठाक लेना, मैं आपको दिखाता हूँ। इससे भी नहीं है, इससे भी नहीं है, ठीक है, इससे भी नहीं है। देखो, अगर बल्ब बंद हो रहे हैं तो ठीक है, वो इससे भी नहीं है। ये देखिए, ये वाला हमारा बल्ब खराब है, देखो, इन्हें शॉर्ट करूंगा मैं, ये देखो, बल्ब शॉर्ट करने से ये हमारा जो है प्रॉब्लम पता पड़ गया हमें, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। ठीक है दोस्तों, हमें पता चल गया है कि कौन सा बल्ब शॉर्ट है। तो ऐसे आप बल्ब को चेक कर सकते हो। और दूसरा क्या है, कैसे पता चलेगा, जैसे कि इस बल्ब का ये ख़राब है, ठीक है, और एक और मैं आपको प्लेट दिखाता हूँ। ये प्लेट देखिए, अगर किसी इसमें एलईडी में ब्लैक ब्लैक डॉट आ जाता है, जैसे कि इसमें आ रखा है, अभी आपको दिखाता हूँ, ये रहा देखो, तो ये वाला बल्ब ख़राब हो चुका है। इसे हम शॉर्ट कर देंगे, या फिर जो है इसका बल्ब चेंज कर देंगे, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और तीसरा ये है कि जैसे ये देखिए, ये प्लेट, ये लगाने पे कुछ भी रिस्पांस नहीं दे रही है। मैंने सारे बल्ब जो है इसके एलईडी शॉर्ट करके देख लिए, पर नहीं जल पा रही है। तो इस प्लेट में या तो दो या तीन, ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो बल्ब नहीं जल पा रहे हैं, इसके जो है हम रिमूव करके हम जो है दूसरे बल्ब में जो चालू है, जैसे कि अब मान लो ये हमारा ख़राब है, हम इसका निकाल के यहाँ से चेंज कर लेंगे, तो हमारी ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
मशीन में दिक्कत नहीं आती, बस आपको ये मशीन पता होना चाहिए कौन सी मशीन ठीक है। आयरन से निकाल निकाल के आप प्लेटें चेक कर सकते हो, मैंने ये चेक कर लिए हैं, पर ये शॉर्ट करने के बाद भी नहीं चल रही हैं। ठीक है, शॉर्ट करने के बाद भी नहीं चल रही, तो इनके बल्ब मैं जो है रीयूज़ कर लूँगा, निकाल के दूसरे में लगा लूँगा जिनकी प्लेटें चालू हैं, जिनके LED चालू हैं, जो जो एक बल्ब ख़राब है। इसमें एक बल्ब ख़राब था वो आपने देखा था, तो मैंने मार्क लगा लिया हल्का सा, तो इसे निकाल के मैं जो है चेंज कर लूँगा, जम्पर नहीं करूँगा मैं तो, चेंज ही कर लूँगा। चाहो तो आप यहाँ से टाका मार के, यहाँ पे टाका मार के आप इसे चला सकते हो। और तो हमारी ये प्लेट भी बेकार नहीं है, अगर नहीं चल रही हैं तो हमारी मशीन में दिक्कत नहीं है, तो हमारी प्लेट में दिक्कत है। हम सोचते हैं हमारी मशीन में ही दिक्कत होगा, इसका जो अंदर जो होती है इसमें दिक्कत नहीं है वैसे, क्योंकि मैंने चालू मशीन में लगा के देखी है पर चल रही है, क्योंकि दो से एक ही बल्ब हम शॉर्ट कर रहे हैं, क्या पता दो हो तीन हो, ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि कंडीशन देखने में ठीक होती है पर जो है इनके जो है वे में प्रॉब्लम आ जाती है, या अंदर से कुछ हो जाता होगा तभी काम नहीं करती। तो भाइयों ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, थैंक यू भाइयों।